आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर आज रीवा में कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गैस वृद्धि की कीमतों को वापस लिए जाने कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम सबकी यही मांगे हैं, जो भी LPG सिलेंडर के दाम है उनको कम किया जाए। जो भी आए दिन, अभी कोरोना महामारी चल रही है, उसमें मोदी सरकार इस तरीके से कहीं गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है, कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। अगर ऐसे में अगर वो हमेशा यही सब चीज़ें करेगी तो कैसे हमारी रोज की वो चलेगी। और जो एक सामान्य परिवार है वो तो कोरोना महामारी से पीड़ित था ही, अभी ये सब चीज़ें करके मोदी जी ने एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी है हम सबके बीच। और मैं स्मृति ईरानी जी को भी बोलना चाहूँगी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो वो करती थी कि इसके दाम बढ़े हैं, ये है वो है, लेकिन अब जब अभी ज़रूरत है हम सबको उनकी, तो कहाँ छुपी बैठी हुई है वो। मैं यही करूँगी कि LPG के दाम कम करें और LPG गैस के दाम कम करें और हम सभी को थोड़ी बहुत राहत मिले। धन्यवाद। योगिता सिंह परिहार। दरअसल कांग्रेस नेत्रियां रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर महंगाई डायन नाम से प्रसिद्ध गीत को गाया और महंगाई का गाना गाकर अपना विरोध जताया है। महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही कांग्रेस नेत्रियों द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा गैर जिम्मेदाराना पूर्वक मनमानी तरीके से गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि करके महिलाओं के जेब में डाका डालने का हमेशा से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवंबर एवं दिसंबर महीने में लगातार घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए के करीब बढ़ोतरी करके महंगाई में तड़का लगाने का काम किया गया है, जिसे आमजन गरीब परिवारों की रसोई में दिक्कत पैदा हो गई है। रसोई गैस के दामों में इस महीने लगातार 100 रुपए की वृद्धि हुई है। आज आम परिवार, आम आदमी, आम महिलाएं, उनकी रसोई से रसोई गैस गायब है। उज्ज्वला योजना के नाम पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करने वाली मोदी सरकार ने आज गैस को आम आदमी की हाथ से बाहर कर दिया है और महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही। पहले इन्होंने कहा कि महीने में एक बार रेट बढ़ाएंगे या उसको रेट को देखेंगे कि कैसे होता। पहले दिन उन्होंने 50 रुपए बढ़ाए और उसके बाद यदि रसोई गैस के भी दाम बढ़ेंगे तो आम आदमी, खासतौर पर महिलाएं सामान्य कैसे जीवन जी पाएंगी। तो आज महिला कांग्रेस के और आम जनता, यहाँ पर सारी युवक महिलाएं इकट्ठे हैं और इस बात का विरोध कर रही हैं कि ये जो बढ़ाए गए दाम है उसको वापस लो और हम तब तक लड़ेंगे जब तक दाम को वापस नहीं। मोदी जी का कहा करते थे बहुत हुई महंगाई पर वार और अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद जैसे ही इनकी सरकार आई इन्होंने धनाधन महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी। सब्सिडी जो आम आदमी को मिलती थी सब्सिडी इन्होंने गायब कर दी, आज गैस की सब्सिडी नहीं मिल रही है और उसके बाद इन्होंने धनाधन महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम गैस सिलेंडर लेकर आए हैं कि हम आज आप वापस लीजिए, हमारी ये मांग है। यदि यह देश के आम आदमी के प्रति आपकी संवेदनशीलता है, जैसे निसंदेह आपको गैस के दाम कम करके आम आदमी को राहत देना चाहिए। महिलाओं का बजट बिगड़ जाएगा, वो कहाँ से बचेगा। जो नहीं मांगे मानी यही, तो आगे क्या करेंगे। हम सड़क पर उतरेंगे रहेंगे, हम सिलेंडर लेके चलेंगे और पूरे देश की महिलाएं एक साथ हमारे साथ खड़ी हैं और पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। पहले ही आपने देखा होगा स्मृति ईरानी वगैरह अच्छा दौड़ती थी सड़क पर, गैस लगे ऐसा लग रहा है उनके मुँह में दही जम गया। महिला नहीं हो क्या, खाना नहीं खाती हो क्या। आज पहले तुम जब दूसरे की सरकार होती है तब महंगाई जान रहती है और आज तुम्हारी सखी और प्रेमिका बन गई है, ऐसा होता है क्या। आज इनको शर्म आना चाहिए, महिला सांसद राजभर की वहाँ संसद भवन में बैठी है और उनके मुंह में दही जमा हुआ है, उनके मुंह से बोलती नहीं है कि जब वो महंगाई बढ़ती वहाँ है ना सड़क में, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। स्मृति ईरानी आओ तो सही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिना सोचे समझे लगातार गैस के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, जो शर्मनाक है। ऐसा कार्य करने से गरीब परिवार भूखों मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। महिला कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गरीबों के दर्द को नहीं समझ पा रही है, क्योंकि यह सरकार अडानी अंबानी की सरकार बनकर रह गई है और उद्योगपतियों के जेब भरने का
काम सरकार कर रही है। महिला कांग्रेस ने मांग की है कि बढ़े हुए दामों को आम जन के हितों को देखते हुए वापस लिया जाना जनहित में होगा और बढ़े हुए दामों को अविलंब वापस कराया जाए, जिससे आम जन व गरीब परिवारों को राहत मिल सके। आज ये जिला महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पर ज्ञापन दिया गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा अभी एलपीजी गैस की बढ़ोतरी कर दी गई है दामों में, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के नाम पर और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर। कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम इसे अग्रेसित कर दिया जाएगा।